जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखा रहे हैं ये खबर। गुरुग्राम अर्जुन नगर में आज जननायक जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपने सुपुत्र दिग्विजय चौटाला की शादी का निमंत्रण देने भी आए हुए थे। आपको बताना चाहेंगे, नीलम बालू द्वारा आयोजित यह मीटिंग बहुत खास रही, क्योंकि इसमें गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, अनंत राम तंवर, सूबे सिंह बोहरा, ऋतु कटारिया और इसके साथ अन्य कई पदाधिकारी और नेतागणों ने इस मीटिंग में भाग लिया और इसको सफल बनाया। आपको बताना चाहेंगे कि इस बारे में हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से भी बात की और साथ ही उनसे जानना चाहा कि पार्टी का क्या मुद्दा है, क्या स्टैंड रहेगा आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर के, जिसके बारे में हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। देखते रहिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड़गांव के अर्जुन नगर की पावन धरा को पवित्र कर दिया है। मैं इनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने आज हमारे यहां आकर वार्ड की शोभा बढ़ाई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और सम्मानित मंच का। नगर निगम चुनाव को लेकर कैसा समर्थन है और किन मुद्दों को लेकर जय सिंह नगर निगम चुनाव में जाने वाले? पार्टी के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यकर्ता मीटिंग रखेंगे और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है निश्चित तौर से चुनाव परिणाम उन्हीं के पक्ष में आते हैं। और आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो पहले नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, हर एक में हमारे वोट में इजाफा हुआ है और निरंतर यही प्रयास हम गुड़गांव नगर निगम में और मानेसर में भी करेंगे। सर, बीजेपी और इनेलो के बारे में ये कहा जाता है कि शहरी वोटर को लुभाने में हमेशा नाकाम रहती है, तो क्या लगता है कि अब की बार जो प्रयास किया जा रहा है शहरी वोटर के बीच में जाकर सफल हो पाएगी? जैसे आज पहले जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उनका उदाहरण उठा करके देखें, आपके पड़ोस में जो है हमारे नगर परिषद के चेयरमैन बने नहीं बने, तो शहरी अक्षेत्र लोग हैं। तो 40 वार्ड है सर, कितने वो अपना उम्मीदवारों ने आवेदन किया है जेजेपी के लिए? क्या मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है जेजेपी के लिए? हमने कमेटी का गठन किया हुआ है और वो निरंतर प्रयास कर रही है और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे हम अपनी सहयोगी राजनीतिक दल से चर्चा करके उसको डिसाइड करेंगे। अकेले लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ लड़ेंगे? जब गठबंधन में है तो गठबंधन का काम है। अच्छा सर, शादी का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं, चौटाला साहब को भी निमंत्रण किया था आपने, क्या लगता है कि परिवार इकट्ठा हो पाएगा? चर्चा है इस बात की? सामाजिक संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं है, ये तो राजनीतिक विरोध तो आपस में चलती रहती है। जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके बेटे दिग्विजय जी की शादी है 15 मार्च को, तो वो इनवाइट करने के लिए आए थे। वो पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, इसके लिए सभी को निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो आज गुड़गांव की बारी। ये निमंत्रण देने के लिए आए थे? जी जी। और चुनाव को लेके कैसे रणनीति आप लोगों की? राणा साहब भी हैं, राणा साहब चुनाव को लेके कैसे पार्टी की रणनीति क्या? आज हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए थे और जब उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, संगठन राष्ट्रीय संगठन सचिव मितानी जी, युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सागवान जी और भी बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर मौजूद थे। और जब इस स्तर की कोई मीटिंग होती है, आज जिला कार्यकारिणी गुड़गांव की मीटिंग थी जो हमारी बहन नीलम बालू जी ने अपने वार्ड में पुराने गुड़गांव में कराई है, और जहां एक तरफ आज हमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपने सुपुत्र दिग्विजय चौटाला जी की शादी का निमंत्रण देने के लिए आए थे सभी गुड़गांव वासियों को, वही कैसे पार्टी को मजबूती प्रदान हो, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और कैसे आने वाले नगर निगम इलेक्शन में हम अपनी पार्टी को मजबूत तरीके से जनता के सामने पेश करके इन सबको लेकर चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है? नहीं, हमारी एक परंपरा है और आदरणीय हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, तो जैसे सरदार निशान सिंह जी भी बता रहे थे, वो तो एक हमेशा मिसाल पेश करते हैं, तो उन्होंने पूरे 22 के 22 जिलों में वो जा रहे हैं और हर जिले में जहां वो अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग ले रहे हैं वहीं
उस जिले के समस्त अपने कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को इस शादी का निमंत्रण दिया। आगामी नागरिक चुनाव को देखते हुए अगर बात की जाए तो क्यों कांग्रेस पर ये बात कही जाती है कि 8.5 साल हो गए अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी जननायक जनता पार्टी का सेम रुख होगा? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी तकरीबन 8.5 साल हो गए कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाई, तो क्या यही कारण यही बात यही स्वरूप सीधे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक तौर पर गठबंधन है और हमारे नेता जैसा फैसला करेंगे वो ठीक है। हमारा राजनीतिक गठबंधन है और उनका भी संगठन मजबूत है और जननायक जनता पार्टी का भी संगठन मजबूत है। राणा जी, सत्ता में आने के टाइम पे जो जसपा है उसने कहा था 5100 रुपए पेंशन कर दी जाएगी वृद्ध लोगों की, लेकिन आज तक भी वो नहीं हो पाई है सत्ता में रहने के 4 साल बावजूद, क्या कहना चाहते हैं? जननायक जनता पार्टी 4 साल पुरानी पार्टी है। हमारे अभी मात्र 10 विधायक हैं। जिस दिन हमारे 46 विधायक होंगे, हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पहली कलम से 5100 पेंशन करने का काम करेंगे।